दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना नीमच। मैं हूं संजय यादव। जैसा कि हम जानते हैं, नगरीय निकाय चुनाव अपने पूरे उफान पर है। पिछले 5 साल वार्डवासियों को कौन सी सरकार ने कितना संतुष्ट किया और अब क्या चुनावी वादे लेकर आए हैं, चुनावी हलचल को हम लोग वार्ड में पहुंचकर बारीकी से जानेंगे। बने रहिए अपना नीमच के साथ। विकास कार्य के तो यहाँ इस वार्ड में 99% सड़क से लेकर सीवर लाइन, नल पाइप लाइन सब काम हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे एक मूलचंद मार्ग इंटरलॉक टाइल्स पास है जो होना चुनाव के बाद शुरू है, एक नला ढकना। बाकी इस वार्ड में सब कुछ काम हो चुका है, सड़क से लेकर नल तक। और इस वार्ड में कम से कम 12 से 15 लोगों को संबल योजना के तहत अपन 20 लाख रुपये दिलाएँ, हर घर में 2-2 लाख रुपए परिवार सहायता दिला चुके हैं, पेंशन हो चुकी है, यहाँ घर बैठे सेवा है। आगे की योजना है कि अपने जो स्कूल है, जो मॉडल स्कूल बनाना है, वो ट्यूबवेल की जो ज़रूरत पड़ रही है तो अपन ट्यूबवेल बना के करके घर घर नल कराना है। और इस वार्ड में साफ सफाई के जो कर्मचारी कम है, क्योंकि पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो इन वार्डों से दोगलापन करा, सफाई कर्मचारी कम होने की वजह से यहाँ पे सफाई को रहता है। फिर भी सफाई कर्मचारी हमारे इस वार्ड के ही हैं, तो अगर रात के 12 बजे भी इनको बोलो तो सफाई कर्मचारी काम करते हैं। वार्ड को मम्मी साक्षर है, बतुल बाबू हैं, क्योंकि काम तो हमें करना पड़ता है। 10 साल से इस वार्ड का एहसान है कि जिसने मेरे को जिताया है। और ये वार्ड ऐसा है कि अभी तक हमने आज तक झंडे बैनर भी नहीं निकाले। इस वार्ड ने बिना पैसे को मेरे को, दूसरे वार्ड के पार्षद तो उल्टे पैसे खर्चा करते हैं, पर मेरे वार्ड के लोग उल्टे मेरे पे पैसे खर्चा करते हैं। ये वार्ड का प्रेम है, क्योंकि अभी तक के इस वार्ड 19 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मिल नहीं पाया था। आधे घंटे पहले उम्मीदवार हुआ, भारी उम्मीदवार वो। ये वार्ड मेरा ऐसा है कि रात को 12 बजे भी वार्ड के लोग बुलाते हैं तो मैं हाजिर रहता हूँ। वो इसमें कोई संकोच नहीं, पहले जो जीत मैं जीता था इससे ज़्यादा मेरी मम्मी इस वार्ड में जीत गएगी। और वार्ड का विकास हम धूमधाम से करेंगे। और जो लोगों बुरा तो सब कहते हैं, ये वार्ड के 6 तारीख तक बुरा कहेंगे, लोग हमें गाली भी बकेंगे, हम सुन लेंगे। वो गाली बकेंगे, हम फूल बरसाएंगे, क्योंकि ये वार्ड है। बतुल बामो बानो, वार्ड नंबर 19, पार्षद कांग्रेस। वार्ड के लोग भी जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। उनकी समस्या है, नाली भरी पड़ी है सारी, वो सारा कचरा भरा हुआ नालियों में, नाले बड़े बड़े भरे हुए हैं। और ये हमारा जो 19 नंबर वार्ड है, यहाँ पूरे 4-5 वार्डों का कचरा यहाँ पर बना रखा है, और सारा कचरा वहाँ लाने डालते हैं। गंदा नालियाँ जितने भी कचरा सारा वहाँ डालते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो सारे वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। आज 10 साल हो गए वहाँ से कहीं दूर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है उसकी। बोसों को मिला, बोसों को नहीं मिला है। वो बोल रहे हैं हमारे दिलाओ, अगर अब ये अगर चुनाव होंगे जीत जाएंगे तो उनके ही उनके काम के अंदर जूते करना पड़ेगा। पिछले 5 सालों में जो वार्ड में का ये पूरे सभी नीमच का विकास खराब पप्पू भैया ने
नगर पालिका अध्यक्ष थे भूपू, उन्होंने सब पूरे निम्बई सड़कें बनवाई है, वार्डों के अंदर सारे उन्होंने काम करे थे। बाकी ये पार्षद का काम था, पार्षद ने उस बात पर ध्यान दिया ही नहीं, ना तो ना आधार कार्ड में तवज्जो दी, ना कोबनगों के अंदर दी, बेचारे वार्डवासी परेशान हो रहे, ना विधवा पेंशन दिलवाई, बेचारे वार्डवासी परेशान हो रहे हैं कि विधवा पेंशन नहीं मिल रही है।